दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण एक गंभीर समस्या बनी हुई है, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट बेहद चिंतित है। इस मामले में आज कोर्ट में अहम सुनवाई हुई, जहां अदालत ने वाहनों की पहचान कराने वाली योजना को लेकर अधिकारियों को फटकार लगाई और पूछा कि आखिर कलर कोड स्टिकर मामले का क्या हुआ। वह इस मामले को लेकर उच्चतम न्यायालय ने कानून मंत्रालय से जवाब मांगा है। दरअसल केंद्र सरकार ने दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए पेरिस मॉडल योजना सुझाई थी, जिसके तहत पेट्रोल, सीएनजी और डीजल से चलने वाली गाड़ियों पर अलग अलग रंगों के स्टिकर विंडस्क्रीन पर लगाए जाने हैं। मॉडल के तहत पेट्रोल और सीएनजी गाड़ियों के लिए ब्लू स्टिकर और डीजल गाड़ियों में नारंगी स्टिकर लगाए जाने की योजना बनाई थी, ताकि उनकी पहचान हो सके। पेट्रोल सीएनजी वाहनों के लिए हल्का नीला स्टिकर प्रयुक्त किया गया था। केंद्र सरकार की इस योजना पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगा दी थी। इसी को लेकर आज सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कानून मंत्रालय से नियमों के बदलाव में हालात पर जवाब मांगा। मंत्रालय को निर्देश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुरुवार तक जवाब दें कि प्रदूषित वाहनों की पहचान के लिए बनी इस योजना का क्या हुआ। इससे पहले अमिक्स क्यूरी ने कोर्ट को बताया था कि सड़क परिवहन मंत्रालय ने सकारात्मक तरीके से नियमों का पालन किया और योजना को कानून मंत्रालय को भेजा, लेकिन कानून मंत्रालय ने इस पर कदम नहीं उठाया। अगर कानून मंत्रालय ने समय पर कार्य किया होता तो दिल्ली में गंभीर श्रेणी प्रदूषण को रोका जा सकता था। उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली में गंभीर श्रेणी के प्रदूषण के कारण गरीब प्रभावित हो रहे हैं और दैनिक मजदूर अपनी आजीविका खो रहे हैं, जिस पर कोर्ट ने अधिकारियों को फटकार लगाई और कल तक जवाब देने को कहा। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां है खबरें लगातार।